तमाम मेरे दोस्तों को आसिम हॉबीज एंड अर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदेद। वेलकम टू आसिम हॉबीज एंड अर्निंग। मेरे दोस्तों बाब, इस वक्त मेरे हाथ में आप ये जो कॉइन देख रहे हैं, ये सिंगापुर का ये कॉइन है। और आज की इस वीडियो में इस कॉइन के हवाले से, व्हाट अबाउट द फ्रंट साइड ऑफ दिस सिंगापुर कॉइन, व्हाट अबाउट द बैक साइड ऑफ दिस क्वाइन, व्हाट अबाउट द डायमीटर, मास, थिकनेस, शेप, कंपोजिशन, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर आउट रिगार्डिंग दिस सिंगापुर क्वाइन, एंड व्हाट अबाउट द प्राइस नोवाडेज हियर इन एशिया, पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड वाइड। सो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस नोटिफिकेशन बटन टू कीप इन टच नेक्स्ट कमिंग वीडियोस रिगार्डिंग क्वाइंस। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि ये सिंगापुर का ये क्वाइन है और इसमें बकायदा है जो सिंगापुर है राउंड फॉर्म में है, आपको यहाँ ये फ्रंट साइड पे है नजर आ रहा है, डेट इज टू बी द फ्रंट साइड ऑफ अ सिंगापुर क्वाइन। और यहाँ बकायदा है सिंगापुर है राउंड फॉर्म में है आपको लिखा नजर आ रहा है, और ऊपर है टॉप सेंटर में है आपको क्वाइन किस साल में इश्यू हुआ, 1980 का ये क्वाइन है। और आपको सेंटर में है 5 लिखा नज़र आ रहा है, नीचे लिखा हुआ सेंट्स, ये 5 सेंट्स का क्वाइन है। डेट इज़ टू बी द फेस वैल्यू ऑफ दिस सिंगापुर ईयर 1980 क्वाइन, यानी ये फ्रंट साइड है जिसमें आपको 5 सेंट भी लिखा नज़र आ रहा है, ये कब के क्वाइन इशू हुआ, 1918 में हुआ, और जो सिंगापुर है लिखा इसको है राउंड फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। डेट इज़ टू बी द फ्रंट साइड ऑफ दिस सिंगापुर क्वाइन। और अब बात करेंगे कि इस सिंगापुर क्वाइन के है बैक साइड के हवाले से, हियर यू हैव सीन अ पोर्ट्रेट और अ इमेज ऑफ ए सिंगापुर स्नेक बर्ड, यानी ये सिंगापुर के जो स्नेक बर्ड को है ये क्वाइन है, ये क्वाइन है रिप्रेजेंट करता है। और बकायदा है इसका ये पिक्चर है या पोर्ट्रेट है, इमेज है आपको स्नेक बर्ड में यहाँ आपको नजर आ रहा है। और अब बात करेंगे कि इस सिंगापुर क्वाइन के 5 सेंट की है डायमीटर के हवाले से, इस क्वाइन का जो डायमीटर है 5 सेंट के क्वाइन का है 16.2 mm डायमीटर है, और इस क्वाइन की जो थिकनेस है 1.01 mm इस 5 सेंट के क्वाइन की है, सिंगापुर के क्वाइन की थिकनेस है। और अब बात करेंगे कि इस क्वाइन का वेट या मास कितना है, इस क्वाइन का जो वेट या मास है वो 1.26 ग्राम वेट है। और ये खूबसूरत शाइनिंग चमकता आपको ये फ्रंट और ये बैक से है ये क्वाइन नज़र आ रहा है, ये किस कॉम्पोजिशन या दहाज से ये क्वाइन है ये मिलकर बना हुआ है, ये जो क्वाइन है ये कॉपर और ये निकल से क्वाइन ये मिलके बना हुआ है, और इट इज टू बी अ राउंड शेप क्वाइन। जी हाँ, ये बिल्कुल ये राउंड शेप का क्वाइन है, इसमें जो आपको है जो कंट्री है सिंगापुर का नाम है यहाँ बकायदा है राउंड फॉर्म में है लिखा यहाँ नजर आ रहा है। और अब बात करेंगे कि इस क्वाइन के जो एजेस हैं, इसमें जैसे आपको ये लाइनिंग नजर आ रही हैं, इसे इसके एजेस हैं। तो ये तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी सिंगापुर के क्वाइन की है 5 सेंट ईयर 1980 की है। और अब बात करेंगे कि अगर आपके पास ये क्वाइन है और ये अगर आप सेल आउट करना पसंद करते हैं तो किस प्राइस में नोवाडेज आजकल में ये क्वाइन है आप किस प्राइस में सेल आउट करेंगे। तो नॉर्मली आपको अगर एशिया पाकिस्तान में ये क्वाइन सेल आउट पसंद करेंगे तो नॉर्मली आपको बमुश्किल $0.5 यानी $0.5 आपको मिल सकेंगे, $0.5 से कम या $0.5 एटलीस्ट $0.5। और अगर किसी यूरोपियन कंट्रीज में आप सेल आउट करना पसंद करेंगे तो शिपिंग चार्जेस डाल के तब मुश्किल एटलीस्ट नॉर्मली आपको $1 है इसके मिल सकेंगे, इससे ज़्यादा इस क्वाइन के आपको सिंगापुर के 5 सेंट के ये 1980 क्वाइन के है आपको नहीं मिल सकेंगे। और उम्मीद करेंगे कि मेरे देखने वालों को चाहने वालों को आज की ये वीडियो सिंगापुर के 5 सेंट के क्वाइन के हवाले से पसंद आएगी। बाय फ्रॉम आसिम हॉबीज एंड अर्निंग।